कुल 8 मामले मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे, जिन पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। पहला था निदेशक अभियोजन के पद पर जो नियुक्ति की पात्रता है, उसमें कतिपय संशोधन किए गए। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि स्वास्थ्य विभाग और उसके अधीन अस्पतालों एवं कार्यालयों में कई प्रकार का रद्दी सामान, जैसे पुराना बेड, पुरानी गाड़ी, एम्बुलेंस इत्यादि पड़ा हुआ है और वो काफ़ी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एक सिविल सर्जन की अध्यक्षता में समिति को गठित करके उसे मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके माध्यम से उसकी ई नीलामी की जाएगी, ताकि जो अनुपयुक्त सामान है उसे हटाया जा सके, स्पेस क्रिएट कराया जा सके और उससे जो भी राशि आएगी उसके राजस्व का भी इजाफा होगा। समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और वो है कि राज्य के एक नई योजना चालू की गई है, मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना, और इसके तहत प्रत्येक जिले में 100 शैया वाले वृद्ध आश्रय स्थल बनेंगे और सभी सब डिविजन्स में 50, और कुल मिलाकर के 6,950 आवासन की क्षमता राज्य में विकसित की जाएगी। और उस पर जो कॉस्ट आएगा वो आएगा, उसमें दो तरह के कॉस्ट होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो एक जो 50 बेड का यूनिट है उसमें 42,97,000 आएगा अनावर्ती में, और आवर्ती में 63,38,000। तो ये स्कीम इस वर्ष से शुरू की जाएगी और इसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना। सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। आवर्ती हो जाएगा रेकरिंग, जो हर साल खर्च होता है, जैसे आपने फर्नीचर खरीद लिया तो वो हो गया नॉन रेकरिंग, एक बार खरीद लिया तो वो इस्तेमाल हो गया, लेकिन खाना खिला रहे हैं उस पर रेकरिंग कॉस्ट आएगा। ऊर्जा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, उसके तहत जिस रेट पर एनटीपीसी से बिजली ली जाती है उसमें राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो ये जो सब्सिडी की राशि है 6,043 करोड़ सालाना है, और इसमें से 503.58 करोड़ हर महीने रिजर्व बैंक के माध्यम से एनटीपीसी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और दूसरी योजना है जो ट्रांसमिशन में लॉसेज होते हैं, तो 15% से ऊपर यदि ATC&C लॉस होता है तो उसकी भी जो राशि होती है वो भी राशि एनटीपीसी को रिजर्व बैंक के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी, और ये राशि है 1,422 करोड़ और प्रति महीने 118.50 करोड़ राशि रिजर्व बैंक के माध्यम से एनटीपीसी को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो विश्वविद्यालय हैं और जो अंगीभूत महाविद्यालय हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर शिक्षकों की कमी के लिए ये प्रावधान 2014 में रखा गया था कि अतिथि शिक्षकों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं, और इन अतिथि शिक्षकों को प्रति लेक्चर 1,000 और अधिकतम 25,000 रुपये महीने देने का प्रावधान था, उसे बढ़ा करके अब 1,500 प्रति लेक्चर, अधिकतम 50,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। और ये जो नियुक्ति होगी ये वाइस चांसलर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, उसके तहत होगी और ये 11 महीनों के लिए की जाएगी, और 11 महीने में उनका जो
परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है तो उसे फिर 11 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। वर्तमान में अभी शिक्षा विभाग में लगभग 1600 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं विभिन्न विश्वविद्यालय और उनके अंगीभूत महाविद्यालय में। नया भी होगा, अब तो सब्जेक्ट बदलता रहता है तो होगा, अब तो 11 महीने के लिए होगा तब तो इसे एडवर्टाइज करके फिर वाइस चांसलर के द्वारा किया जाएगा। नए लोगों को भी तो किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग में एक विधि पदाधिकारी के पद को सृजित कराया गया है और 28 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की भी स्वीकृति दी गई है, क्योंकि तकनीकी सेवा आयोग का जो कार्य है उसमें निरंतर इजाफा हो रहा है और कई सरकार की एजेंसी और सरकार के विभाग के द्वारा नियुक्ति के लिए वहां पर प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। उसी प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार सूचना आयोग पटना के कार्यालय में 3 चालकों के पद भी सृजित करने का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति।